दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद केके में, और मैं हूं आपका दोस्त केके डामोर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कुछ राज। राज की बात यह है दोस्तों कि अधिकतर बहुत सारे यूट्यूबर, यानी कि ये वीडियो यूट्यूबर के लिए है। खास करके अगर आप यूट्यूबर नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फिर भी आप चाहे तो इसे देख सकते हैं आगे तक। दोस्तों मैं नए यूट्यूबर हैं जिन लोगों के लिए कुछ वीडियोस लेकर आता हूं, कभी कभी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने खुद किया है, ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ उन क्रिएटर्स भाइयों के लिए जो अभी शुरुआत कर चुके हैं या शुरुआत करना चाहते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टॉपिक्स के बारे में, जो कि टॉपिक्स आप कहाँ से लाए रोजाना। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के पास में टॉपिक्स की कमी होती है जब शुरुआत में एक यूट्यूब चैनल चलाता है। और मैं टेक यूट्यूबर हूँ और टेक से संबंधित वीडियोस डालता हूँ इस चैनल पर। कुछ अनबॉक्सिंग होती है, कुछ नॉलेजेबल होती है, कुछ ऐप रिव्यू होते हैं, इसके साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सब चीज़ें मैं लाता कहाँ से हूँ। अगर बात करें तो मैं टेक न्यूज़ भी बनाता हूँ, जो कि 5 टॉप टेक न्यूज़ रोज़ाना तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि रोज़ मैं आप लोगों को 5 अच्छी सी टेक न्यूज़ दूँ जो कि आपके काम की हो सकती है। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं कहाँ से लाता हूँ, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, इस राज को खोलते हैं। और इस राज में ये बात है दोस्तों कि बहुत सारे जो टेक यूट्यूबर है, बड़े बड़े टेक यूट्यूबर हैं जिनके मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही, जैसे टेक्निकल दोस्त हैं हमारे, टेक्निकल गुरु जी हैं, इसके साथ भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, टेक्निकल शर्मा जी है, वो भी लगभग, मेरा अंदाज़ा ये है, मैं ये नहीं कहता कि वो इसी तरीके से इन टॉपिक्स को लाते हैं, लेकिन लगभग 99% मुझे भी ऐसा लगता कि हो सकता है वो भी इसी तरह से इन टॉपिक्स को चूज़ करते होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है और गूगल का ही है। गूगल के इस ऐप के बारे में मैं बताऊँ तो उसका नाम है गूगल न्यूज़। दोस्तों गूगल न्यूज़ एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर सभी टॉपिक्स पर हर तरह की न्यूज़ आप चाहे उस कैटेगरी को पर्टिकुलर सर्च करके उस संबंधित में जितनी भी खबरें होंगी सब अलग अलग न्यूज़पेपर्स की वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर आप एनालिसिस करेंगे हर चीज़ का, एक ही न्यूज़ 10 जगह पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिसर्च मिलेगा। वहाँ पर आप अच्छे से उस पर काम कर पाएंगे, अच्छे से किसी भी टॉपिक पर अपनी जानकारी को दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात है गूगल न्यूज़ अपने स्मार्टफोन में अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए फटाफट से। और इसका फ़ायदा कैसे मिलता है आगे मैं आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूँगा उसमें भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहली बात हो गई गूगल न्यूज़ की, अब ले लेते हैं दूसरा। दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ दैनिक भास्कर प्लस एप्लीकेशन। आपने नाम तो सुना ही होगा, उसके बहुत सारे वीडियो हैं जो कि मेरे इस चैनल पर रैंक हुए हैं और उनकी वजह से काफ़ी माइलस्टोन मेरे पूरे हो पाए। और इसके साथ ही आप लोगों का प्यार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि हम आगे ग्रोथ कर पाए आपकी वजह से। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं बता रहा था दोस्तों दैनिक भास्कर ऐप के अंदर भी एक सेक्शन है, पूरा सा एक मेनू है जहां पर आप टेक नॉलेज के अंदर जाकर अलग अलग तरह की टेक की खबरें वहां से पढ़ सकते हैं और उससे संबंधित कोई भी वीडियो आप बना सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप कहीं से भी टॉपिक उठाओ, पढ़ो, उसका रिसर्च करो अच्छे से और टॉपिक चूज़ करो, और इसके बाद में आप शुरू हो जाओ मेरी तरह। दोस्तों ये था दूसरा, जो कि दैनिक भास्कर से मैं इन टॉपिक्स को लाता हूँ। इसके साथ ही अगर देखें तो एक 360 यानी कि गैजेट 360 डिग्री एक एप्लीकेशन है जो कि NDTV का है। वैसे तो उन लोगों के भी न्यूज़ आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, टेक से संबंधित जितने भी न्यूज़ आर्टिकल होते हैं मैं पढ़ता हूँ। कोई नए लॉन्चेस है, नई चीज़ें हैं, टिक्स ट्रिप न्यूज़, बहुत सारी चीज़ कंपेयर और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो आप रेगुलर इस एप्लीकेशन को अगर रेगुलर देखते हैं या उसे रिसर्च करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों फटाफट से जाइए और गैजेट 360 डिग्री जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, क्या नई चीज़ें आ रही है, क्या नए लॉन्चेस हो रहे हैं, क्या ऑफर्स चल रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। जितनी आपको ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पर मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही अगर बात करें तो
तीसरी, अगर एक दो और तीन तो हो गई, अब चौथी बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ये प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आते हैं उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हमको मिल जाते हैं। उन टॉपिक्स की वजह से भी हमारा वीडियो टॉपिक मिल जाता है और उन टॉपिक्स पर हम वीडियो बना देते हैं, तो वो भी एक हमारा सोर्स है जहाँ से हमें टॉपिक्स मिलते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर जो आप सीख रहे हो या आपके पास में जो गेन है, पहले से आपने नॉलेज गेन किया है इधर उधर से, या आपके पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी कोई नॉलेज हो सकता है, वो नॉलेज भी आप अपने वीडियो में शेयर कर सकते हैं। ये भी एक आपके टॉपिक का सोर्स हो सकता है। दोस्तों ये था पांचवा, और इसके साथ ही छठे मैं आप लोगों को बता दूँ कि किसी भी न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़ें, उसमें आपसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हो उन्हें अच्छे से एनालिसिस करें, और एक जगह से नहीं आप चार जगह से पढ़ें तो आप लोगों को अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको टेक्नोलॉजी या किसी भी पर्टिकुलर आप जिस भी टॉपिक पर या किस जिस भी नीच पर आप काम कर रहे हैं उस पर आपको अच्छी से नॉलेज प्राप्त होगी और आप अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएंगे लोगों के सामने। तो दोस्तों ये थे जो टॉपिक्स मैंने बताए, यहाँ से आप बड़ी आसानी से अपने टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ पर्टिकुलर आप लोगों से जो कि अगर नए क्रिएटर हैं, तो आप निराश ना हो, कभी भी अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करें, दिन में कम से कम एक दो वीडियो देने की कोशिश करें और कम वीडियो बनाएं पर अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे, काम में आनाकानी मत करें। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और आप उसे किस वे में लेते हैं और किस चीज़ से आप क्या सीखना चाहते हैं या क्या सीख सकते हैं वो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो हर काम में आप आगे बढ़कर काम करें, काम से जी चुराओगे तो उतना नॉलेज आपको, मतलब इतना मौका आप खो रहे हैं, उतनी अपॉर्चुनिटी आप खो रहे हैं। कभी भी कोई भी काम आपको करने को मिले जो आप आपको लगता है कि ये मेरे मैं कर सकता हूँ, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको जीवन में ये नॉलेज बढ़ता जाता है और फिर वही नॉलेज तो आपको शेयर करना है YouTube चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, इसके साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।